लेकिन मेरे हिसाब से इसको हमें बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे कि अगर हम डिलीवरी को प्रीपोन करते हैं या आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, तो पेशेंट्स में देर कैन बी डिलेड लेबर, ज़्यादा स्टे हो सकती है पेशेंट की, ज़्यादा प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, सिजेरियन के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, साथ ही में इवन बेबी में मेकोनियम पास कर सकता है बेबी, जिसके कारण सिजेरियन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सेकेंडली, अगर हम सिजेरियन भी करते हैं उस डेट पे, तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस, ज़्यादा स्टे हॉस्पिटल में बढ़ सकती है, साथ में अगली बार डिलीवरी के सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही में इवन बेबी, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें बच्चे में इन्फेक्शन हो सकता है, मिकोनियम पास कर सकता है, प्री मेच्योरिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एस्फिक्सिया जो यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ले देख के देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें पेशेंट्स को इंकरेज करना चाहिए डिलीवरी के प्रीपोनमेंट का और या पोस्टपोनमेंट का। डॉक्टर, हमने देखिए, मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ को इंकरेज नहीं करना चाहिए, और वी शुड नॉट फॉलो फॉरेन कंट्री। रीज़न बीइंग, जो एक प्रोसेस है डिलीवरी, एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये नेचुरल अगर डेट पे हो, जब ये एक्चुअली लेबर नेचुरल लेबर होने वाला हो, तो सबसे सेफ डिलीवरी होती है, शॉर्ट लेबर रहता है, पेशेंट भी कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है, और जो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताई थी, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, इन सब के ये काफ़ी कम होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें फॉलो करना चाहिए फॉरेन कंट्रीज को। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो विदेशों का ट्रेंड है, चाहे आस्था के बहाने ही। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हमें कई बार पेन्स देने पड़ते हैं। वो है जैसे कि अगर बीपी हाई हो रहा हो, ग्रोथ कम हो रही हो, मूवमेंट्स कम हो रही हो बच्चे की, तो हम सोचते हैं कि जायज़ है। लेकिन अगर आर्टिफिशियली पेशेंट्स हम चाहते हैं कि हम पेन्स दें या सिजेरियन करें, उसके लिए हम पेशेंट्स को बैठ के काउंसिल करते हैं, उनको पूरा समझाते हैं कि देखिए ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो आप तैयार हैं क्या। लेकिन आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स समझते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनको बैठ के थोड़ा टाइम दें, काउंसिल करें, तो वो समझते हैं और इस चीज़ को वैल्यू रखते हैं और समझदारी से फिर चलते हैं। पर अगर कोई जबरन करता है, तो मैं उसको पूरी तरह डिस्करेज करूँ। जी चलिए, तो जान है तो जहाँ है, जान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत कीजिए, भाग्य तभी